वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। माय नेम इज आयुषी मित्तल। साल 2021 एक ऐसा साल जिसके खत्म होने में अब सिर्फ एक महीने का या यूं कह ले लगभग एक महीने का ही समय बचा है। ये एक ऐसा साल है जो आपके और हमारे जहन में ऐसी बहुत सारी यादें छोड़ गया है जो हमें ताउम्र याद रहेगी। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक ऐसा साल है जिसने राजनीति की दुनिया में काफी उथल पुथल मचा के रखी। इसलिए लेट्स रिवाइंड एंड रीलिव ईयर 2021। 26 जनवरी 2021 यूं तो ये तारीख रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाई जाती है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने इस डेट की, इस तारीख की परिभाषा ही बदल के रख दी। किसानों का 2020 में चला धरना प्रदर्शन इस तारीख को एक नया ही मोड़ ले लेता है और हम ये देखते हैं कि सैकड़ों किसान अपने धरने का प्रदर्शन लाल किला पे चढ़कर करते हैं। इसी बीच इसी साल इसी तारीख को कई ऐसे नामी ग्रामी लोग भी थे जिनके अरेस्ट होने की खबर भी सामने आई। फिलहाल किसानों को 3 बिलों से राहत जरूर मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का किसानों को आश्वासन दिया है कि वो तीनों बिलों को यानी तीनों किसान बिलों को जल्द ही रिपील कर लेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि इसके बाद भी क्या इसी साल किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है या फिर ये कहानी, ये धरना और ये प्रोटेस्ट हमें अगले साल भी देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 2021 भारत के लिए एक और इम्पोर्टेंट दिन। भारत के लिए इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन हमें आजादी मिली थी, इसी दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। जी हाँ, ये वही आजादी है जो कंगना रनौत के हिसाब से हमें अंग्रेजों से भीख में मिली है। खैर, कंगना इस आजादी की कीमत पहचाने या ना जाने, अफगान की वो महिलाएं, अफगान का बच्चा बच्चा इस आजादी की कीमत जरूर जानता है। और वो इसलिए क्योंकि इसी दिन तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अफगानिस्तान से बहुत ही भयानक तस्वीरें भी सामने आई। खैर, ये खौफ का मंजर लाजमी भी था क्योंकि 1996 में भी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपना कब्जा किया था तो वहां से बहुत सारी भयानक तस्वीरें सामने आई थी। अब देखना ये है कि आगे 2022 में इस मुल्क का क्या होता है और साथ ही इसका असर भारत पर भी कितना पड़ता है। साल 2021 भी कोरोना की मार से नहीं बच पाया। 2021 आते आते ये बीमारी अपने साथ 4 लाख लोगों तक की जान ले गई और अभी भी इंडिया के ऐसे कई प्रदेश हैं, इंडिया के ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां से आज भी कोरोना पॉजिटिविटी की खबरें आती रहती है और इसका कहर जारी है। लेकिन देखना ये है कि क्या 2022 में भी हमें कोरोना का ऐसी ही आतंक देखने को मिलता है या फिर इस बीमारी से हमें कोई राहत मिलती है। तो ये थे साल 2021 के कुछ मेजर इवेंट्स, कुछ मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स। ये सीरीज आगे भी जाती रहेगी जहां पे मैं आपके लिए रिवाइंड 2021 लेके आती रहूंगी और साथ ही हम ऐसे कुछ और इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से 2021 बना यादगार। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ वन वर्ल्ड न्यूज। प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम वन वर्ल्ड न्यूज।